हमारे साथ मौजूद है एक छोटी सी बच्ची। क्या क्या एज है आपकी? 8 ईयर्स ओल्ड। 8 ईयर्स ओल्ड, जो कि जब भी ये गाती है इतना सबको भक्ति रस में सराबोर कर देती है और खुद भी इस तरह से झूमती है, नाचती है। आइए जानते हैं कहाँ से मिले इनको ऐसे संस्कार। अंजलि, आप जो जब भी गाते हैं इतना खो जाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, ये सब कहाँ से सीखा आपने? मैंने आपको पहले बताया था, मैं अभी बता रही हूँ। ये जो बालाजी महाराज श्याम बाबू उस पर इतनी कृपा करते हैं, जो मैं इस काबिल बनी, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी इनके सामने ये सब करने की। इन्हीं ने तो मुझको मत कर मैं बैठा हूँ, तो चिंता मत कर मैं बैठा हूँ, ये कहा था इन्होंने। कब की बात है? कब की क्या बात है, तुम उससे बोल ही देते हैं, मन मन में बोल देते हैं। तो आपको ये भजन गाना ही क्यों पसंद है, फिल्मी गीत क्यों नहीं गाते आप? क्योंकि भजन में जब उसको मैं सुनती हूँ ना, तो ऐसा लगता है मानो कि सारा उसमें जितना भी प्यार है सब उसी भजन में, और किसी में भी इतना प्यार नहीं होता है। इस फिल्मी गाने में इतना कहाँ होता है जो भजन में होता है। फिल्मी गाने तो कभी कभार होते हैं, कीर्तन तो रोज़ होता है। अभी आप भजन कीर्तन इतना अच्छा गाते हैं कि लोग भी उसमें सुनते हैं एकदम, तो ये सब एक जादू से चलता है, ये भगवान की तरफ से चलता है आपकी तरफ से? ये सब भगवान की तरफ से चलता है, हम क्या ही कर पाएंगे, इनके सामने हमारी क्या ही औकात है, तो हम इस काबिल बने इन्हीं की वजह से तो बने हैं। और आपको आगे लाने में किनका सहयोग है? इन्हीं का सहयोग है, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, सब है, पूरी दुनिया है मेरी। बहुत खूब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं अंजलि। आपने जाने अंजलि ठाकुर के विचार, ये है संस्कार। इस बच्चे को ऐसे संस्कार मिले हैं कि ये सब कुछ भगवान को ही समर्पित करती है। हमारी शुभकामनाएं बेटे, आप इसी तरह से गाती रहें और सबको भक्ति रस में सराबोर करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन अजीत के साथ वीपी शर्मा, आई हूँ। चलो Hey, hey.
Thank you.